वेलकम बैक टू माई चैनल वीवीएस व्लॉग्स। आई एम विनी वेजिंग एंड आई मेक वीडियोज रिलेटेड टू ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल एंड मेनी मोर अदर थिंग्स। सो बिफोर दिस वीडियो स्टार्ट्स, प्लीज डू टेक आउट अ मिनट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई हैव कम विद दिस ब्यूटीफुल कैट आई मेकअप लुक विद रेड लिप्स। स्पेशली ये जो आई मेकअप मैंने आज क्रिएट किया है वो बहुत ही ईजी है, बिगनर फ्रेंडली है। और आज जो मैंने अपने फेस पे बेस लगाया है, जो फाउंडेशन रूटीन मैंने अपने फेस पे किया है, वो विंटर्स के लिए स्पेशल है कि विंटर्स में आपको फ्लॉलेस बेस के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए वो मैंने आज वीडियो में बताया है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत सारे टिप्स रिलेटेड टू ब्यूटी मैंने इसमें दिए हैं। और अभी ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ये भी बताने वाली हूँ कि विंटर्स में हमें अगर फ्लॉलेस बेस चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए। तो आज मैंने अपना फेस वॉश किया था, पहले नॉर्मल क्लेंस किया था, उसके बाद मैंने स्क्रबिंग करी थी बायोटेक के वॉलनट स्क्रब से। और सिर्फ 2 से 3 मिनट ही हमें स्क्रब करना होता है। उसके बाद मैंने O3 प्लस का डिटैन पैक, जो मैं अपनी कई वीडियोस में बात कर चुकी हूँ, मैंने वो यूज़ किया। बेसिकली हम धूप में बैठते हैं विंटर्स में, सन का काफ़ी एक्सपोजर होता है, तो उस वजह से हमारी स्किन पे काफ़ी टैनिंग हो जाती है और वो भी काइंड ऑफ एक डेड स्किन जो हमारे फेस पे क्रिएट कर देती है। तो इसलिए मैंने ये 3 चीज़ की है, फेस को अच्छे से क्लेंस किया है, स्क्रब किया है और डिटैन पैक लगाया है, जिससे मेरा जो एक्स्ट्रा डेड स्किन थी वो पूरी निकल चुकी है। उसके बाद ऑलरेडी मैं मॉइस्चराइज मेरे फेस को कर चुकी हूँ, मैंने जो गार्नियर की रिंकल लिफ्ट क्रीम है वो मैंने एज अ मॉइस्चराइजर अपने फेस पे लगाई है, वो काफ़ी थिक है क्रीम। और आप ऑलरेडी देख सकते हो कि मेरा फोरहेड वगैरह उसी से ही काफ़ी शाइन कर रहा है। अभी मैं लिप्स अपने मॉइस्चराइज कर रही हूँ, उसके लिए मैं ये मेबलिन की लिप बाम ले रही हूँ। तो मुझे मॉइस्चराइज़ किए हुए फेस को ऑलरेडी 10 मिनट हो चुके हैं। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि मॉइस्चराइज़र को सेट होने के लिए या प्राइमर को सेट होने के लिए आपको 5 से 10 मिनट देने चाहिए। अब मैं प्राइमर यूज़ करूँगी और प्राइमर मैं ये स्मैश बॉक्स का यूज़ करूँगी, क्योंकि ये बहुत ही हाइड्रेटिंग प्राइमर है। विंटर्स में हम जितना भी स्किन को हाइड्रेट कर ले उतना ही कम रहता है। इसके मैं थोड़े से 2 या 3 पंप ले रही हूँ, इसको फेस पर लगा रही हूँ। बेसिकली ये जो हमारे फाइन लेंस वगैरह है, जो लार्ज पोर्स होते हैं, उसको स्मूथ कर देता है ताकि हमारा जो बेस है वो और भी अच्छा हो। उसके बाद मैं एक और प्राइमर यूज कर रही हूँ, क्योंकि मेरा फेस ज्यादा खराब है। आप लोग एक ही यूज कर सकते हो, ये ऑप्शनल है बिल्कुल। मैं इसी का ही थोड़ा सा ये पी साइज प्राइमर और ले रही हूँ और इसको अपने जो ये वाले पोर्शंस है, जो टेक्सचर्ड पोर्शंस है, सिर्फ वहां पे लगा रही हूँ। नोज़ और नोज़ के अराउंड भी अच्छे से प्राइमर लगाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमारी काफ़ी ड्राई स्किन होती है और यहीं पे जो है मेनली हमारा फिर पैची हो जाता है फाउंडेशन लगाने के बाद। अब आप देख रहे होंगे कि मेरी स्किन ऑलरेडी काफ़ी मैटिफाइड लग रही है। अब मैं ये मैक का इल्यूमिनेटिंग क्रीम ले रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप लगाइए, नहीं तो आप नॉर्मल मॉइस्चराइजर में अपना थोड़ा सा हाइलाइटर या कोई भी शिमरी आई शेडो है उसको लेके भी अपने हाई पॉइंट्स पे लगा सकते हो। और इसको मैं अपने हाई पॉइंट्स पे लगाऊंगी। बहुत दिन से मेरे मन में भी एक क्वेश्चन चल रहा था कि हमें जो इल्यूमिनेटिंग क्रीम है वो प्राइमर के बाद में लगानी होती है या फिर हमें प्राइमर से पहले लगानी होती है, तो वो हमें प्राइमर के बाद लगानी चाहिए, क्योंकि प्राइमर लगाने के बाद हमारी जो स्किन है वो काफ़ी मैटिफाई हो जाती है, तो जो शाइन है वो चली जाती है। इसलिए उस शाइन को वापस लाने के लिए, जो हमारे फेस पर नॉर्मल होती है, हम इल्यूमिनेटिंग क्रीम जो है काम में लेते हैं। मैं जितने भी मेरे हाई पॉइंट्स हैं सिर्फ वहीं पर लगा रही हूँ इल्यूमिनेटिंग क्रीम। स्पेशली ये मैक की तो इतनी ड्रग स्टोर क्रीम है, ये वर्थ इट है और इतनी बड़ी आती है ये कि सालों साल चलती है। तो अगर आपको इस किसी अच्छी इल्यूमिनेटिंग क्रीम में आपको इन्वेस्ट करना है तो आप मैक की ले लीजिए, ये 3-4 साल आराम से चलेगी। और आप देख सकते हो ऑलरेडी मेरे फेस पे कितना शाइन है। अब मेकअप स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं अपना ब्रो पोमेड ले रही हूँ। ये लॉरियल का ब्रो पोमेड है और इसका शेड है 104 ब्रुनेट। बहुत ही लाइटली आई एम यूजिंग दिस मस्कारा ओनली ऑन माई स्पार्स एरिया, जहाँ पे ज़्यादा गैप है। बहुत केयरफुली इसको यूज करना पड़ता है। नाउ आई एम यूजिंग दिस कंसीलर बाय टू फेस और मैं अपने आईब्रोज के आसपास का जो एरिया उसको क्लीन कर रही हूँ। फ्लैट ब्रश लिया है मैंने, ये इजी रहता है इससे वर्क करना।
एज यू कैन सी मेरी जो ये आईब्रो है कितनी लिफ्ट अप लग रही है कंपैरिजन ऑफ दिस वन. अब मैं इसको बैक ऑफ द कैमरा करूँगी. सो हेयर आई एम डन. और अभी मैं सेम कंसीलर अपनी आईलिड्स पे लगा रही हूँ एज अ बेस प्राइमर. इससे मेरी आईलिड्स पे जितना भी डिसकलरेशन है वो भी चला जाएगा, प्लस हमारा जो आई शेडो हम बाद में लगाएंगे वो अच्छे से पॉपअप होगा. एंड आई एम यूजिंग दिस ब्यूटी ब्लेंडर और मैं अब इसको ब्लेंड करूँगी अच्छे से. और अब मैं ये अपना निक्स का HT ट्रांसलूसेंट पाउडर ले रही हूँ और अपनी आईलिड्स को और आईब्रो के ऊपर जहाँ पे भी हमने कंसीलर लगाया उसको सेट करूँगी. सो आई एम टेकिंग पाउडर ऑन दिस ब्लेंडिंग ब्रश एंड आई एम गोइंग टू फर्स्ट ब्लेंड दिस एंड देन विल सेट द कंसीलर ऑन माई आईलिड्स. सो आई एम अगेन यूजिंग दिस मेडिकल टेप और इसको मैं अपने आईज के कॉर्नर में लगाऊंगी सो दैट वी कैन गेट दोज शार्प एजेस. तो इस स्टिकी टेप को भी हमें ऐसे लगाना होता है कि जो भी हमारी आईब्रो का एंड है, जहाँ पे भी हमारी आईब्रो एंड हो रही है वहाँ से लेके हमें यहाँ तक हमें स्टिकी टेप लगानी होती है. बिफोर यूजिंग द आई शेडो आई एम अगेन टैप लाइनिंग माई आईज. तो यहाँ पे मैं अपनी आईज की टाइप लाइनिंग कर चुकी हूँ और सबसे पहले ये हुडा की आई शेडो पैलेट ले रही हूँ और इसमें ये ब्लैक कलर ले रही हूँ और ये पेंसिल ब्रश ले रही हूँ. इसको इस तरीके से डिप करूँगी एक्सेस प्रोडक्ट को ऐसे एंड देन आई एम गोइंग टू जस्ट स्वाइप अप लाइक. सो आई एम गोइंग टू स्वाइप दिस ब्लैक कलर फ्रॉम दिस एंड टिल द स्टार्टिंग. आपको ज़्यादा नीट होने की ज़रूरत नहीं है इसमें बिकॉज वी आर गोइंग टू ब्लेंड ईच एंड एवरी थिंग. सेम थिंग आई एम गोइंग टू डू दिस साइड. नाउ आफ्टर क्लीनिंग दिस ब्रश आई एम गोइंग टू पिक दिस ब्राउन कलर और मैं इसके ऊपर स्वाइप करने वाली हूँ. सेम थिंग मैं इधर कर रही हूँ. नाउ आफ्टर डूइंग दिस आई एम गोइंग टू टेक दिस क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश. उसके बाद मैं अब डैब डैब करके इसको ब्लेंड करूंगी. एंड देन अगेन टेकिंग बिगर ब्लेंडिंग ब्रश और जो ऊपर एजेस होंगी उसको ब्लेंड करूंगी. एंड हेयर वी आर डन. वेरी सिंपल वेरी इजी कैट आई मेकअप. नाउ हेयर आई एम क्लीनिंग अंडर माई आईज. नाउ आई एम गोइंग टू क्विकली डू माई फेस मेकअप और सबसे पहले मैं ये बेज कलर की कंसीलर ले रही हूँ एले गर्ल से और इसको अपने डार्क सर्कल्स के नीचे लगा रही हूँ. ये शेड मेरे कलर से थोड़ा सा डार्क है जबकि हमें जो कंसीलर का शेड है वो हमें थोड़ा सा लाइट लेना चाहिए जब मेरे डार्क सर्कल्स ज़्यादा होते हैं. पहले इसको यूज़ करके फिर फाउंडेशन यूज़ करके और फिर ऊपर से हाईलाइट करती हूँ तो डार्क सर्कल्स अच्छे से छुप जाते हैं. नाउ आई एम टेकिंग दीज टू फाउंडेशन नायका का और निक्स का फाउंडेशन एंड मिक्सिंग बोथ ऑफ देम. जो नायका का फाउंडेशन है वो बहुत ही हाइड्रेटिंग है और जो निक्स का फाउंडेशन है वो वाटर बेस्ड है तो इसलिए मैंने विंटर्स के लिए ये दोनों फाउंडेशन पिक किए हैं. सो हेयर आई एम यूजिंग दिस सिग्मा ब्यूटी ब्लेंडर और मैं पूरा के पूरा फाउंडेशन इस पे पिक कर रही हूँ और ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से फेस पर. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Now I'm going to pick this concealer again and applying a little bit under my eyes. Always moving on, feel I don't belong to my... Also on all my high points. With no regrets, live with every breath. See my message start to spread. And I had so many dreams. Then you hit your teens. Life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never using this Maybelline compact or apne blending brush se hi main isko pick kar rahi hu and then setting under my eyes.
And here I am lightly setting my face with the same compact. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. अब मैं सेम ब्राउन शेड ले रही हूँ और ये लोअर लैश लाइन में स्मोक आउट कर रही हूँ. I'm also going to set it with the same black eyeshadow. Now I'm going to curl my eyelashes. And I'm going to apply a coat of mascara. So here our eye makeup is done, and now I'm going to take my Smashbox foundation stick. And I'm going to quickly contour my face. Basically, जो इसके curves हैं, मैं उनको use कर रही हूँ face को contour करने के लिए. And here I'm using this Milani brush. This is in the shade Peach, and I'm going to take on Pack Stippling brush. And now I'm taking this Makeup Revolution liquid highlighter, and I'm going to apply it all my high points. Now at the last, I'm highlighting my inner corners of eyes. The highlighter I'm using is from Becca in the shade Champagne Pop. आज देखिए मेरा बेस मेकअप जो है वो कितना अच्छा हुआ है. Here I'm lining my lips with the color bar lip liner and filling with the seam. Here I'm using this MAC lipstick in the shade Glam Rihanna. मेरा मेकअप इज डन. मैं थोड़ा सा ये ट्रांसलूसेंट पाउडर ले रही हूँ और इसको अपने लिप्स पे लगा रही हूँ, क्योंकि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा होगी. पूरी जितनी भी लिपस्टिक है हमारी वो फैलने का डर होता है, तो अगर जैसे आप मास्क भी पहनते हो तो आप अगर ऐसे ट्रांसलूसेंट पाउडर लगा रहे हो तो आपकी लिपस्टिक मास्क पे भी नहीं ट्रांसफर होगी और एकदम पैक हो जाएगी. This is done so that the lipstick do not get transferred on the teeth. मम्मा काम करके रेडी हो रही है बच्चा, मैं फिर चल रही है बस. चलो मामा आ रही है कपड़े पहन के. चलो सेंटा बेटा, मम्मा जहाँ लेके जाएगी वहां आएगा ना सेंटा. तो I don't know where she came from, but goddamn, I wanna say some. She a dime, wanna make her mine. Heard through the grapevine, she a great. I really hope you enjoyed watching this makeup look. And if you like this video, then please hit the like button, subscribe to my channel, and share it with your family and friends. Meet you in my next one. Till then, bye bye. The ground floor, I just wanna go in extra.